अर्जुन, इशिका और आयु तीनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। वेटर ऑर्डर लेकर आता है और उन्हें प्लेट में सर्व करने लगता है। तभी एक दूसरा वेटर आकर उसके कान में कुछ कहता है और वो दोनों बाउल लेकर वापस जाने लगते हैं। अर्जुन हैरानी से उन दोनों को देख रहा है। अर्जुन कहता है, क्या बात है, ये तो इस रेस्टोरेंट की फेमस डिश है, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? वेटर, सर ये हम यहाँ नहीं रख सकते हैं, इसमें पीनट्स पड़े हैं, हम आपसे माफी चाहते हैं। अर्जुन हैरानी से पूछता है, तो? दूसरा वेटर कहता है, दरअसल बात ये है कि आयु की तरफ इशारा करके, ये मैम को पीनट से एलर्जी है तो ये डिश उनके लिए नुकसानदेह है, हम यहाँ इसे नहीं परोस सकते हैं। आयु और अर्षिका घबरा जाती है, वो इशारे से वेटर को चुप कराने की कोशिश करती है, पर अर्जुन उन दोनों को गुस्से से घूरता है और वो दोनों सर झुकाकर बैठ जाती हैं। मन ही मन अपना सर पीट लेती हैं। अर्जुन आयु को देखकर पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? आयु को पीनट से एलर्जी है, पर ये बात तुम्हें कैसे पता? पार्थ सब माजरा समझ जाता है और मुस्कुरा देता है। पहला वेटर, सर ये दोनों मैम एक बार पहले भी हमारे रेस्टोरेंट में आए हैं और पीनट्स खाकर इनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी, इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। अर्जुन गुस्से और हैरानी से उन दोनों को देख रहे हैं। वो वेटर को जाने का इशारा करता है। अर्जुन गुस्से में कहता है, डिनर कर लो फिर घर चलकर तुम दोनों से निपटता हूँ। हद है बेवकूफी की, लापरवाही की। आयु आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। जाने क्या क्या छुपा कर रखा है तुमने अभी तक मुझसे। वो गुस्से में जाने लगता है पर अर्षिका किसी तरह उसे वहां बिठा लेती है। आयु खुद से कहती है, मर गए। आयु तुझे क्या जरूरत थी यहाँ पर आने की, तुझे पूरे मुंबई में यही रेस्टोरेंट मिला था, यहाँ तो माहौल बिगड़ता जा रहा है, मुझे किसी तरह से सब कुछ संभालना ही होगा। वंशिका, विदुषी और पार्थ अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। पार्थ की नजरें बस आयु पर ही जाकर ठहर जाती हैं। वो अपने चेयर पर नहीं है। पार्थ आसपास नजर दौड़ाता है तो आयु उसके ठीक सामने खड़ी होती है। पार्थ हैरानी से उसे देखता है जैसे पूछ रहा हो कि तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई, क्या सच में तुम्हारे पास कुछ मैजिकल पावर्स है? आयु मुस्कुराते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी मैम, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैंने यहाँ के सभी कस्टमर्स को अपनी तरफ से स्पेशल ट्रीट देने का फैसला किया है, सो एंजॉय योर मील। वंशिका गुस्से से आयु को देख रही है। आयु ड्रिंक सर्व करने लगती है और गलती से वो वंशिका के ड्रेस पर थोड़ी ड्रिंक गिरा देती है। वंशिका चिल्लाते हुए बोलती है, यू सिली बिच। आयु घबरा कर कहते हैं, I'm really sorry, मैंने जानबूझ कर नहीं गिराया, आई एम सॉरी, मैं साफ कर देती हूँ। पार्थ भी इससे चौंक जाता है। वंशिका की चीखने की आवाज अर्जुन और ऋषिका के कानों में भी पड़ती है। वंशिका कहती है, What the hell is going on? तुम हर जगह मेरा पीछा क्यों करती रहती हो? कहां से मुझे तंग करने के लिए आ जाती हो? और तुम दो कौड़ी की लड़की मुझे क्या स्पेशल ट्रीट दोगी? औकात जानती हो अपनी? मैं तुम्हारे पूरे खानदान को पैसों से तोल सकती हूँ, समझी? अर्जुन और ऋषिका दौड़कर वहां पहुंचते हैं। आयु चुपचाप सर झुकाए खड़ी है। पार्थ खामोशी से आयु को देख रहा है कि वो कैसी लड़की है जो किसी की भी नहीं सुनती, अपनी जुबान से ज्यादा हाथ पैर का इस्तेमाल करती है। वो इस तरीके से खामोशी कैसे सह सकती है? उसे बहुत बुरा लग रहा है। विदुषी अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही है। पार्थ वंशिका को रोकने की कोशिश करता है पर नाकाम ही उसकी हाथ लगती है। खुद को दानवीर समझती हो? मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी, जितनी ड्रेस की कीमत है ना उतने में तुम्हारा बाप तुम्हारी पूरी फैमिली को पालता होगा, समझी? आयु नजरें ऊपर उठाती है। अर्जुन बस आयु को देख रहा है। आयु कहती है, प्लीज वंशिका मैम, मेरे डैड के बारे में कुछ मत कहिए वरना बहुत बुरा हो जाएगा, मैं अपने आप से कंट्रोल खो दूंगी। वंशिका, यू हू आर यू? वो आयु पर हाथ उठाती है पर अर्जुन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो गुस्से में वंशिका को देखता है। वंशिका हैरानी से अर्जुन को देख रही है। वहां हर किसी की निगाहें अर्जुन की तरफ ही टिकी है। अर्जुन तुम यहाँ? अर्जुन गुस्से में कहता है, ये गलती दोबारा मत करना मिस वंशिका खुराना, वरना सारे पैसों की अकड़ में दो मिनट में निकाल दूंगा। उसका हाथ छोड़ते हुए, क्या कह रही थी अभी? औकात नहीं है वगैरह वगैरह, वो तुम्हारी इस ड्रेस को क्या, तुम्हें भी खरीद सकती है, समझी? अर्जुन गुस्से में चीख पड़ता है। वो आयरा मल्होत्रा है, आयरा मल्होत्रा, मिस्टर राजेश मल्होत्रा की बेटी। जानती तो होगी ना राजेश मल्होत्रा को, पूरे मल्होत्रा एम्पायर की वारिस है वो। वंशिका के करीब जाकर, अर्जुन मल्होत्रा की बहन है वो। वंशिका और पार्थ दोनों स्तब्ध हैं।
आयु उन दोनों को देख रही है कि वहां सब कुछ सेटल करना चाहती थी और कहां है सब कुछ, हर किसी के एक चीख के साथ चकनाचूर हो रहा है। अर्जुन अभी भी गुस्से में है, वो आयु का हाथ पकड़ता है। अर्जुन वंशिका को घूरते हुए कहता है, आयु चले यहां से। आयु कहती, पर भाई भाई मेरी गलती थी। अर्जुन रुक कर कहता है, और हां वंशिका कितने की है ये ड्रेस? 2 लाख, 4 लाख, 2 करोड़? बता दो, तुम्हारे घर चेक भिजवा दूंगा। वंशिका रोते हुए कहती है, अर्जुन अर्जुन प्लीज लिसन टू मी, प्लीज अर्जुन, मेरा वो मतलब नहीं था, वो मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बहन है। I'm sorry, अर्जुन। आयु और वंशिका के साथ अर्जुन वहां से निकल जाता है। वंशिका पीछे से उसे बुलाती रहती है पर वो इग्नोर कर देता है। पार्थ कहता है, दी चलिए यहां से। वो तीनों कार में बैठ जाते हैं। दी क्या आप अर्जुन मल्होत्रा को जानती हैं? वंशिका, हाँ, हम न्यूयॉर्क में मिले थे। हम दोनों को कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला, और कब हम दोनों अलग हो गए उसका भी कुछ पता नहीं चला। 2 साल से हमने एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुनी है। पार्थ कहता है, आपने कभी बताया नहीं? और फिर आकाश का प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों किया आपने? वंशिका कहती है, प्यार में भले ही अर्जुन से करूं बट मैं आकाश का दिल नहीं तोड़ूंगी, मैं आकाश से शादी करूंगी और जरूर करूंगी। विदुषी परेशान हो जाती है। पार्थ उसे इशारे से टेंशन न लेने की बात कहता है। विदुषी कहती है, कल वंश भैया और भाभी आ रहे हैं। इस बात ने पार्थ और वंशिका की टेंशन और बढ़ा दी, जो कि उनके चेहरे से साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ अर्जुन गुस्से में गाड़ी ड्राइव कर रहा है। आयु और वंशिका दोनों चुपचाप बैठे हैं। अर्जुन कहता है, इन मोहतरमा को तो देखो, वो इतना कुछ अनाप शनाप बोले जा रही थी और सर झुकाइए वहां चुपचाप खड़ी थी। बड़ी अनबल बनी घूमती है, जो आता है इन्हीं से खेल कर चला जाता है। तुम्हारी माँ थी क्या वो जिससे जवाब नहीं दे पाती? वो तुझ पर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और तू सुन कैसे सकती है? आयु वो हमेशा की तरह अकड़ू थी और है। जी में आया कि कान के नीचे 2 जमा दूं, पर वो भी तो किसी की बहन थी ना। मुझे तो खुद ही बहुत बुरा लग रहा है, कैसे मैं इस लड़की से प्यार कर सकता हूँ? अकले से पंगू है वो, पैसों का भूत सवार है। अरे आखिर है क्या, सचदेव खुराना का ही तो खून है ना। वो खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था। जब वो चुप हो जाता है तो आयु उसे अपने भावहीन नीली आंखों से देखती है। आयु उसकी आंखों में झांकते हुए कहती है, आप प्यार करते हो ना उनसे? अर्जुन समंदर किनारे गाड़ी रोकता है और गाड़ी से नीचे उतर जाता है। आयु को अर्जुन से बात करने में डर लग रहा है, पर वो अर्जुन से बात करना चाहती है। उसे पता है कि अगर आज उसने हिम्मत नहीं दिखाई तो वंशिका और भाई को कभी एक नहीं कर सकती, और अर्जुन की खुशी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इशिका भी उसके साथ ही आती है। भाई मुझे पता है आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? वो आपसे प्यार करती है, प्लीज भाई उनका हाथ थाम लीजिए। वो आपके लिए 4 कदम आगे बढ़ रही हैं, आप कम से कम 1 कदम तो उनकी तरफ कीजिए। भाई आप उनके बिना अधूरे हैं, जैसे आयशा माँ के बिना बड़ी। आप तो जानते हैं ना, कभी भी मुझे माँ का प्यार नहीं मिला, आप ही सब कुछ हो मेरे लिए। सब कहते हैं कि भाभी माँ के समान होती है, अगर आप उन्हें ले आएंगे तो मुझे मुझे मेरी माँ मिल जाएगी भैया। आयु और अर्जुन दोनों की आंखें नम हो जाती है। अर्जुन, हाँ करता हूं मैं उससे प्यार, आयु की तरफ देखकर, पर तू जैसा समझ रही है वैसा नहीं है। तूने तो अभी खुद अपनी आंखों के सामने देखा ना, उसने तेरे साथ कैसा बिहेव किया। उसे माँ का दर्जा मत दे, वो माँ क्या, एक बहन होने के काबिल भी नहीं है। मेरे लिए वो तुमसे डैड से ज्यादा जरूरी नहीं है। आयु तू उससे दूर है, मैंने खुद से समझौता कर लिया है और यही मेरा आखिरी फैसला है। तू इन सब बातों को छोड़ो, रही बात आयशा माँ की और डैड की, तो वो आयशा माँ नहीं है और ना ही मैं डैड हूँ। उसे कभी भी आयशा माँ से कंपेयर मत करना, तुझे अंदाजे भी नहीं है कि आयशा माँ कितनी अच्छी थी, वो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती थी। आयु पर आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते, वैसे भी वो मेरी ही गलती थी, और उनकी गलती ही क्या है कि यही कि वो आपसे प्यार करती हैं। अर्जुन कहता है, आयु मुझे अभी बहस नहीं करनी है, चले यहां से, वैसे भी हम कल ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ये कहकर अर्जुन गाड़ी में बैठ जाता है। आयु ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनकर हैरान हो जाती है, फिर भी वो कुछ नहीं कहती और जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। उसके दिमाग में उथल पुथल मचनी शुरू हो गई थी। वंशिका अपने कमरे में सोच में डूबी हुई है। उसे अर्जुन के गुस्से के बारे में पता है, उसका दिमाग सुन्न पड़ गया है। आखिर इन सब चीजों के बाद अर्जुन उसे अपना पाएगा या नहीं,
क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि अर्जुन अपनी बहन से कितना प्यार करता है। आज की रात सबके लिए भारी थी। विदुषी भी परेशान सी इधर उधर टहल रही थी। पार्थ की टेंशन अलग थी, उसकी दोनों बहनों की जिंदगी दांव पर लगी है और आयु की भी टेंशन। वंशिका के बिहेवियर से आयु खुद इन दोनों को एक नहीं होने देगी, यही सोच सोच कर पार्थ की हालत खराब हो रही थी। पार्थ खुद से कहता है, दी ने आयु के साथ बहुत बुरा किया, मुझे नहीं लगता कि आयु अब कुछ भी हेल्प करेगी। जाने क्या प्रॉब्लम है दोनों की, ऐसा क्या हुआ दी और अर्जुन के बीच की, ये दोनों एक दूसरे को चाहते भी हैं पर एक नहीं हो सकते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है अर्जुन की जो उन्हें दी के साथ रहने के लिए रोक रही है, जबकि उनकी आंखों में दी के लिए प्यार साफ नजर आता है। उन्होंने अपने साथ दी की भी जिंदगी बर्बाद करने का फैसला क्यों किया, आखिर क्यों? अपना सर पकड़कर, यार मैं इन सब सिचुएशंस को कैसे संभालूं, क्या जिंदगी हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि मुझे खुद ही अर्जुन मल्होत्रा से बात करनी होगी। आयु, अर्जुन और ऋषिका तीनों घर पहुंचते हैं। तीनों खामोशी से अपने कमरे में चले गए। ऋषिका कहती है, आयु क्या सोचा है तुमने, भाई ने तो अपना फैसला सुना दिया है, वो तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। आयु कुछ सोचते हुए बोलती है, सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, मेरी नहीं सुन रहे पर किसी और की तो सुनेंगे, चाहे जो हो जाए पर मैं भाई को ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन अपने रूम में बालकनी में खड़ा होकर अपने ही विचारों में मग्न, वो जाने किस लोक में खोया है। अर्जुन मन में बोलता है, एनाबेल तू इन सबके पीछे मत भाग, इन गहरे अंधेरों में ऐसी सच्चाई दफन है कि तू हर पल बिखरती जाएगी, हर पल दर्द में सिमटती जाएगी, तुझे भी कुछ नहीं पता। मेरी ही नहीं तेरी माँ की भी डेथ सचदेव खुराना की वजह से हुई है। हम सबकी जिंदगी सिर्फ वंशिका के बाप ने उजाड़ी है, क्या तू एक्सेप्ट कर पाएगी? तुझे तो अपनी सच्चाई तक नहीं पता कि आखिर तू है कौन। खुराना फैमिली के कारण ही हम सब सफर कर रहे हैं। आयशा माँ की डेथ एक्सीडेंट नहीं थी, वो एक साजिश थी। हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं, पर तू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तू इस शख्स को कैसे अपनाएगी जो तुझे खुद तुझसे दूर रखने की सबसे बड़ी वजह है। अर्जुन ने अपने विचारों को विराम दिया और बिस्तर पर सिकुड़कर लेट गया, जैसे उसके बदन पर हजारों पिन चुभोई जा रही हो। बेशक वो बहुत ही दर्द में था। इन उमड़ते घुमड़ते स्याह जैसे ख्यालों के बीच आखिर सूरज की रोशनी मिल ही गई, सुबह हुई। अर्जुन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहता है, आयु आज तो खुराना कंपनीज नहीं जाएगी, मतलब कि कभी नहीं जाएगी। आयु बट भाई, अर्जुन गुस्से में कहता है, आयु मैं किसी भी आर्ग्यूमेंट के मूड में बिल्कुल नहीं हूं, अगर मैं तुझसे सवाल जवाब करने लगूं तो उसके जवाब तेरे पास बिल्कुल भी नहीं होंगे। तुझे अभी ये याद नहीं है कि कल रात का कारनामा जो तूने किया था, वो मुझे बिल्कुल याद है किस तरह तू हॉस्पिटल गई थी पूरी रात के लिए, और मुझे खबर भी नहीं है। तो बेटर यही होगा कि तू इस मसले से दूर रहे, बात समझ आई? मैंने सारा सामान पैक कर लिया है, पर अगर कुछ जरूरी सामान रह गया तो वो भी पैक कर लो। ये फरमान सुनाकर अर्जुन अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आयु हॉल में खड़ी अर्जुन को जाते हुए देख रही थी, ऋषिका ऑफिस जा चुकी थी। तभी आयु का फोन घनघना उठता है। आयु फोन रिसीव करके, हेलो, हाँ पार्थ, हाँ आयु सब ठीक है वहां पर? तुम्हारे भाई का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ या नहीं? तुम ऑफिस भी नहीं आई? यार उनको समझाओ, कैसे भी बात करो उनसे, वरना कल के बाद उन्हें अपनी जिंदगी में खुशियां उड़ती धूल जैसी ही दिखेंगी। सबकी जिंदगी उन्हीं के एक फैसले पर टिकी हुई है, उनका एक हाँ या ना सबकी जिंदगी तय करेगा। मुझे सुन रही हो ना तुम? आयु गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ सुन रही हूँ। आज हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। पार्थ चौंकते हुए कहता है, क्या क्या कहा तुमने? Are you mad? वो यह सब कुछ इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हैं? सबकी खुशियां दांव पर लगी हैं। अपनी नहीं तो उन तीन जिंदगियों के बारे में सोचो जो उनके इस फैसले के बाद बिखर जाएंगे। कल वंशिका दी की सगाई है। वो आकाश वंशिका और विदुषी के साथ हुए झोल के बारे में आयु को बताता है। आयु हैरानी से सब कुछ सुन रही है। यहाँ सब रिश्ते उलझे पड़े हैं, ये अगर एक बार सुलझाएंगे तो किसी में भी गांठ नहीं पड़ेगी। पार्थ आयु की इस बात से बहुत परेशान है। उसे अभी तक लग रहा था कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अब तो कुछ भी जुड़ने का नाम नहीं ले रहा, सब कुछ और भी बदतर होता चला जा रहा है। आयु कहती है, डोंट वरी,
हम आज ऑस्ट्रेलिया जाएं या नहीं, पर अर्जुन भाई इस रिश्ते को एक्सेप्ट जरूर कर लेंगे। मैं चार जिंदगियां बर्बाद नहीं होने दूंगी। हालांकि पार्थ को ये सब बातें इस समय खोखली लग रही हैं, पर इन सब पर यकीन करने के सिवा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वो परेशान सा चेयर पर बैठ गया। तभी आयो के अपार्टमेंट की डोर बेल बजी। बाद में बात करते हो, तुम स्ट्रेस ना लो, कल तक सिर्फ ठीक हो जाएगा। वंशिका मैम को आना मेरी घर है, मैं उन्हें अपनी भाभी मान चुकी हूँ। डोली तो उनकी हमारे घर पर ही उतरेगी, डोंट वरी, कहकर आयो ने मुस्कुराकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तब तक अर्जुन ने डोर ओपन किया। वो विश्वास से कभी दरवाजे पर देखता तो कभी आयु की तरफ। अर्जुन हैरानी से, डैड आप यहाँ इस वक्त? राजेश अंदर आते हुए, क्यों नहीं आ सकता क्या? बहुत थकान हो रही है बेटा। आयु मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ जाती है। अर्जुन हैरानी से उनके पीछे हॉल में आकर बैठ जाता है। फ्लैशबैक। इशुका झल्लाते हुए कहती है, यार ये तेरी गोल गोल बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भाई कल जा रहे हैं और तू मुस्कुरा रही है। आयु फोन उठाते हुए कहती है, देख भाई मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, बट बड़ी की बात भाई कभी टाल नहीं सकते। भाई को उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी, मैं बड़ी से बात करूंगी भाई के लिए। आयु राजेश को कॉल लगाती है। आयु की कॉल देखकर राजेश के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान तैर जाती है। राजेश, हेलो, हाउ आर यू? आयु बताओ बेटे। आयु आंख बंद करके, बड़ी हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, अर्जुन भाई के बारे में। राजेश हैरानी से पूछता है, अर्जुन उसके बारे में क्या है, वो ठीक तो है ना? आयु कहती है, हाँ भाई ठीक है, पर एक प्रॉब्लम हो गई है। वो डिटेल में राजेश को सब कुछ बताती है। राजेश के चेहरे पर कोई भी हैरानी के भाव नहीं है, हालांकि वो कुछ सोचकर मुस्कुरा जरूर रहे हैं। भाई सिर्फ अपने दिमाग की सुन रहे हैं और वही कर रहे हैं। एक आप ही हैं जो उन्हें सही बता सकते हैं और उन्हें ये सब करने से रोक सकते हैं, बाकी इस समय तो वो किसी की बात नहीं सुनने वाले। राजेश गंभीरता से कहता है, मैं अभी निकल रहा हूँ, सुबह 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा बेटा। ये कहकर दोनों तरफ खामोशी छा जाती है। आयु कॉल कट कर देती है और गहरी सांस लेती है। इशिका सब ठीक तो हो जाएगा ना? आयु उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आई होप सब ठीक हो जाए। किचन में खड़ी आयु ये सोचकर मुस्कुरा रही है, उसकी नीली आंखों में शरारती चमक दौड़ जाती है।